मंत्री एवं शिक्षा व पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर जिले के समस्त अधिकारी गणों के साथ मुख्यमंत्री बजट घोषणाएं केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं फ्लैगशिप योजनाओं के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तार से की चर्चा। राष्ट्र की सुरक्षा बढ़ाने और विरोधी गतिविधियों पर नजर रख रखाव का हर जन के मन में सरकार को लाना होगा। बांग्लादेश में हिंदू समाज को लोगों पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध को लेकर गुरुवार को दोपहर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय भारत माता मंदिर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वासित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ माँ के नाम आओ बनाएं हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय झालामंड में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जोधपुर जिला प्रभारी बनने के बाद जोधपुर आने पर उनसे जोधपुर की शिक्षा व्यवस्था पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने सार्थक चर्चा की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष महेंद्र छंगाणी पार्षद धीरज सैन एवं मंडल कार्यकर्ता बंधु मौजूद थे। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में की जा रही थानों के आगे नाकाबंदी भगत की कोठी थाना SHO छतर सिंह के नेतृत्व में की जा रही है नाकाबंदी संदिग्ध वाहनों की ली जा रही है तलाशी नियम विरुद्ध चलने वाले वाहन चालकों के काटे जा रहे हैं चालान।